क्या जो लेबर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, फार्म की कायदों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मिलिट्री फार्म के क्या जो लेबर्स को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मिलिट्री फार्म की गायों को मणिपुर भेजना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बीजेपी केंद्र सरकार स्टेशन के मिलिट्री फॉर्म्स यहाँ ऑपरेट करते थे जम्मू कश्मीर में, उधमपुर में, नौशहरा में, जम्मू में, बेलीचराना में, जिसमें गायें रखी गई थी और दूध सप्लाई किया जाता था मिलिट्री पर्सनल और बहुत सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी इन मिलिट्री फॉर्म्स में काम करते थे। हाल ही में सरकार ने ये आदेश दिया कि इन मिलिट्री फॉर्म्स को बंद किया जाएगा और ये जो गायें यहाँ हैं इनको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेक ओवर करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगी या एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव्स करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से यहाँ कायदा और कानून का उल्लंघन किया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। न केवल यहाँ काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया 10-10, 20-20 साल काम करने के बाद, बल्कि यहाँ से जो गायें थी उनको मणिपुर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। यहाँ एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव्स के ऑफिस बेरर भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और जो बर्खास्त किए हुए कर्मचारी भी शामिल हैं और ये कहा जा रहा है इनके द्वारा कि 1000 रुपये में एक गाय का मूल्य जो है वो डाला गया मणिपुर भेजने के लिए, जबकि एक गाय 1-1 लाख रुपए से ऊपर है और ट्रकों में भरकर इन गायों को मणिपुर भेजा गया, बहुत बुरी हालत में भेजा गया है, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती है। ये एक स्कैम है कि यहाँ गायें गरीब लोगों को देने के बजाय जो ज़्यादा दाम पे खरीद सकते थे, एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव्स के लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हम ज़्यादा दाम देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन हमको देने के बजाय मणिपुर इन गायों को भेजा जाना एक बहुत बड़ी साजिश नज़र आता है।